गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं, इन्वेस्टिंग एक स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा। हाँ, मैं SBI कार्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि SBI कार्ड्स क्या है, SBI कार्ड्स में अभी इन्वेस्ट करने का सही समय है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, SBI कार्ड्स का IPO आकर अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, एक महीना भी अब तक लगभग हुआ नहीं है, बिकॉज़ ये 16 मार्च को उसका IPO लॉन्च किया गया था। ठीक है, जब ये इसका IPO आने से पहले आप सबको पता होगा कि मार्केट में कितनी हलचल थी, लोग इस IPO के बारे में कितना एक्साइटेड थे, लोग कितना इसके बारे में बातें कर रहे थे, लोगों को इसमें अलॉटमेंट चाहिए ही चाहिए था, ऐसी एक स्थिति थी। इसकी जो प्राइस बैंड थी 755 में इसका इश्यू प्राइस दिया गया था, तो लोगों को लग रहा था कि ये 1000 रुपये के ऊपर भी ये खुलेगा करके, तो लोगों का हाई एक्सपेक्टेशन था SBI कार्ड्स के रहती। उसमें कोई गलती नहीं है, मेरा भी इसके साथ अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन था SBI कार्ड्स में, एंड मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया था। देखिए, इसमें ऐसा समय भी आया जब इन्वेस्टर्स लोग, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर चुके थे, लेकिन मार्केट की स्थिति जो IPO की डेट लॉन्च करने के बाद स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी, बिकॉज ये ग्लोबल इफेक्ट के रही थी, अपना कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे इफेक्ट्स मार्केट में हो चुके थे। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कहने लगे कि हमारा पैसा रिफंड कर दो, हमें अलॉटमेंट नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति भी आई। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया था अलॉटमेंट के लिए, और मैं ऊपर से SBI का मैं शेयर होल्डर भी हूँ, मैं SBI के कुछ शेयर्स को होल्ड भी कर रहा हूँ कुछ सालों से, तो मुझे रिजर्वेशन कैटेगरी में माना जाता है एज़ पर SBI कार्ड्स, तो मुझे मिलने की चांसेस थोड़ी हाई थी, लेकिन फिर भी लकीली मुझे इसमें चांस नहीं मिला। लकीली इसलिए कह रहा हूँ कि अब की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मुझे बेटर प्राइस में ये शेयर मिल रहा है, तो इसलिए मैं लकी हूँ कि मुझे तब अलॉटमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या अभी इस स्थिति में, क्या अभी ऐसा समय आया है, क्या ये राइट समय है, सही समय है SBI कार्ड्स में निवेश करने का, क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं करके देखेंगे। तो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो भी कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में देख लेंगे कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहली स्टॉक के बारे में, स्टॉक के डिटेल्स के बारे में देखेंगे, दूसरा कंपनी के बारे में देखेंगे, कंपनी की डिटेल्स, तीसरा कंपनी की जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल या उनकी रेवेन्यू मॉडल, उनके बारे में देखेंगे, चौथा क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, शुड बी इन्वेस्ट, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक के बारे में देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक 16 मार्च 2020 में ये लिस्ट किया गया था, इसका इशू प्राइस दिया गया था 755 दिया गया था, तो मोस्टली सब 755 ही एंटर होते हैं, तो जिनको भी अलॉट हुआ रहेगा तो मोस्टली सबको 755 में ही अलॉट हुआ होगा। लेकिन इधर जैसे मैंने कहा कि सबकी हाई एक्सपेक्टेशन थी कि ये 1000 के ऊपर भी खुलने के चांसेस है करके, लेकिन ये लिस्ट हुआ 661 में। देखिए, इशू प्राइस था 755, लेकिन ये लिस्ट हुआ 661, तकरीबन लगभग 13% नीचे ये ओपन हुआ, 13% नीचे ये ओपन हुआ है। हम लोग चार्ट्स में भी देखेंगे, तो उसके पहले मैं बता दूं कि ये है एक लार्ज कैप स्टॉक है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 55,800 करोड़, फिर से कह रहा हूँ 55,800 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ये जो स्टॉक IPO में दिया गया था ये था फ्रेश इशू एंड OFS के बारे में हम बात करेंगे आगे, मैं आपको OFS के बारे में बताऊंगा।
तभी मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट में। जब हम देखते हैं कि चार्ट में क्या हमें, एक मिनट, चार्ट में क्या हमें एंटर करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये अभी इतना पुराना नहीं है स्टॉक, ये अभी एकदम नया है, ठीक है, अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, तो इसमें हम एनालाइज़ करने के लिए इतना कुछ दिख नहीं रहा है, एनालाइज़ करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर भी हर एक स्टॉक की कहानी होती है, ये जैसा इसने परफॉर्म किया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसने, इसका हाई में मैं एक लाइन बना देता हूँ, इसने हाई बनाया है लगभग 769 की, 769 का हाई बनाया है, और नीचे इसने सपोर्ट लिया है, एक मिनट, 575 में आप देखेंगे तो इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। अच्छा खासा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक बार इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पर दूसरे बार अभी एक दिन पहले या दो दिन पहले इसने सपोर्ट लिया है, वो भी दो बार लिया है। देखिए, इस कैंडल में और इस कैंडल में भी दो बार इसने सपोर्ट लिया है। तो टेक्निकली अगर डे कैंडल में हम देखेंगे तो लगभग ऐसा ही लग रहा है कि एक छोटा अच्छा खासा एक अच्छा रिवर्सल जैसा है, बिकॉज दो बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। देखिए, दो बार सपोर्ट लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब आगे की इसकी जो रणनीति है इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो पहले इसे हम वॉच लिस्ट में रख कर वॉच करेंगे सबसे पहले कि नेक्स्ट डे जो मंडे अभी मार्केट खुलेगा, मंडे को ये पॉजिटिव खुलता है या पॉजिटिव सस्टेन कर पाता है या फिर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है। देखिए, अगर ये सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो मेरा लेवल है लगभग, मैं बता दूं आपको, ये जा सकता है और 50 पॉइंट के नीचे आसपास जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी मैंने बनाया है 520 के आसपास। देखिए, मेरी अगर ये यहाँ से बराबर निकल गया तो कैसा निकलेगा मैं आपको भी बता देता हूँ। इसकी जो चाल है इसको देखिए, यहाँ से निकल कर ऐसा आया है और इसके पहले बार जब इसने सपोर्ट लिया तो दो दिन में इसने 100 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई है। ये दो कैंडल में ही इसने 100, इस स्टॉक ने 100 पॉइंट्स की जो मूवमेंट दिखाई है। तो अगर कोई जो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पोजीशन बनाना चाहता है या 50 पॉइंट के लिए या 100 पॉइंट के लिए, तो वो यहाँ पर डेफिनेटली वो यहाँ पर एंटर हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये स्टॉक लगभग 680 या फिर 700 के आसपास जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। अगर ये सपोर्ट लिया है तो 700 के आसपास जाकर मैं एक और लाइन बना देता हूँ। देखिए, इसके आसपास 694, हाँ, इधर इसका अच्छा एक रेसिस्टेंस है, तो लगभग यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर ये अच्छा खासा पैटर्न बनाकर फिर निकला तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका हाई है, ऑल टाइम हाई है इसका, जो सबसे ज़्यादा ऊपर का हाई, अगर ये ब्रेक कर ऊपर सस्टेन कर लेता है तो नीचे वापस आने का बहुत कम ऐसे चांस है कि हम इसको वापस नीचे देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये अगर किसी को यहाँ पर निवेश करना है तो सही समय होगा इसमें निवेश करने का। किसी को अगर इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, तो हम यहाँ पर निवेश करने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस चार्ट में फिर से मैं लेकर आऊँगा कि कितने परसेंटेज वाइज आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर मैं जो मेरा प्लान है इसे लेकर वो मैं आपको फिर से यहाँ पर बताऊँगा। उससे पहले हम इसमें आते हैं, स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। हमने स्टॉक के बारे में देख लिया तो उसके बाद हम कंपनी के बारे में देखेंगे, ठीक है। कंपनी जो है 1998 में ये कंपनी स्टार्ट की गई थी, 1998 में स्टार्ट की गई थी ये कंपनी। एक्चुअली जॉइंट वेंचर है किसकी, SBI और GE कैपिटल, इन दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी, मतलब इन्वेस्ट की थी। तो SBI ने इसमें इन्वेस्ट किया था 60%, कभी 1998 की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये कंपनी बनाई गई थी। SBI 60% इन्वेस्ट किया था और GE कैपिटल ने इन्वेस्ट किया था 40%,
40% स्टेक जीई कैपिटल के पास था, लेकिन कुछ सालों बाद जीई कैपिटल ने डिसाइड किया अपना सब माल बेचकर बाहर निकलने के लिए, तो इसने अपना 14% फिर से एसबीआई को बेच दिया और 26% कार्ली ग्रुप को बेच दिया। देखिए मैं ये जो चीज़ है परसेंटेज है या आईपीओ की पहले की बात है, ठीक है। तो एसबीआई के पास रहा है 74% ऑफ स्टेक और कार्ली ग्रुप के पास रहा है 26% ऑफ स्टेक। तो उसमें से कुछ परसेंट जो आईपीओ आया था, जैसे मैंने कहा कि ओएफएस के बारे में बात करूंगा, जो आईपीओ लॉन्च किया गया था वो था फ्रेश इशू प्लस ओएफएस। ओएफएस होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब जो करंट एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर है, जैसे एसबीआई है और कार्ली ग्रुप, तो इन्होंने अपने कुछ जो शेयर्स है वो पब्लिक के लिए ऑफर किया गया था, उसे ही ओएफएस कहा जाता है। तो इसमें फ्रेश इशू भी था, मतलब नए शेयर्स भी दिए गए थे, प्लस जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स थे वो बांटा गया था, ठीक है। तो कंपनी के बारे में और बताता हूँ, जैसे कि थर्ड पॉइंट में लिखा है, मैंने मेंशन किया है कि ये कंपनी जो है सब्सिडरी है। सब्सिडरी किसकी है? एसबीआई की, ठीक है। तो एसबीआई इसकी जो है पेरेंट कंपनी एसबीआई है। तो एसबीआई आप सबको पता है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में अकाउंट होल्डिंग है, जो बैंक अकाउंट होल्डिंग होल्डर्स है वो एसबीआई में ही है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन सब का पेमेंट वगैरह एसबीआई में ही आता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये जो एसबीआई कार्ड्स है ये है सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एसबीआई कार्ड सेकेंड रैंक में आता है। मतलब दैट मीन्स एसबीआई कार्ड है एक अच्छा मार्केट लीडर। तो आप सोच सकते हैं कि सेकेंड में है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट में ऑफकोर्स है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक फर्स्ट में आता है। एचडीएफसी बैंक के पास है मार्केट शेयर 27% का, और एसबीआई कार्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके पास है मार्केट शेयर 18% का मार्केट शेयर। तो जिनको नहीं पता मार्केट शेयर क्या होता है, तो उन्हें मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ मार्केट शेयर। फॉर एग्जांपल समझिए इंडिया में 100 पीपल आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। 100 अगर 100 क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से 27 लोग HDFC बैंक की कार्ड यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, एंड उसमें से 18 लोग, 100 में से 18 लोग यूज़ कर रहे हैं SBI कार्ड्स के। तो बाकी कार्ड्स कौन यूज़ कर रहा है, किसकी यूज़ कर रहा है? बाकी कार्ड्स हो गए अपना ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और बाकी जो बैंक्स हैं NBFC से, बाकी जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उनकी, ठीक है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, लेकिन एक पॉइंट इसमें जो हमें नोट करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि क्रेडिट कार्ड की कंपनीज में ये ऐसे अकेली कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट हुई है, ठीक है। मतलब अकेली कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट हुई है। तो नेक्स्ट मैं आपको बता लेके जाता हूँ इस कंपनी के बिजनेस मॉडल या रेवेन्यू मॉडल के बारे में आपसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है इनकी जो रेवेन्यू कहाँ से आती है, इनकी रेवेन्यू कैसे होती है, ठीक है। तो एसबीआई कार्ड की जो रेवेन्यू है, सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो रेवेन्यू है, दो मेजरली दो पार्ट्स में आती है। एक है फी इनकम, ठीक है, और दूसरी है इंटरेस्ट इनकम। तो इनकी जो इनकम है एक है फी में आती है और दूसरा इंटरेस्ट इनकम होती है। तो फी में ये लोग कमाते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन फी हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपनी क्रेडिट कार्ड कहीं स्वाइप कर रहा है किसी दूसरे मशीन में, या फिर दूसरे का कहीं शॉपिंग कर रहा है क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल रहा है, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी होती है उससे इनका इनकम होता है। दूसरा जो है मेंबरशिप फ़ी, जो ये लोग मेंबरशिप देते हैं, ईयरली मेंबरशिप हो गया या फिर उससे ज़्यादा भी जो मेंबरशिप ये लोग देते हैं उसका एनुअल जो फ़ी ये लोग कलेक्ट करते हैं उसकी फ़ी से भी। और दूसरा होता है इंटरेस्ट इनकम, जो ये लोग इंटरेस्ट कमाते हैं। समझिए जो क्रेडिट कार्ड से जो कुछ परचेस किए या कुछ कोई ट्रांजैक्शन किए और उसकी जो पेमेंट करनी होती है, और उसमें अगर कुछ पेमेंट में कुछ लेट हुआ तो उसकी उसमें एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लगता है, तो उस वो इंटरेस्ट भी इनका एक कमाई है। और दूसरा जो क्रेडिट कार्ड से कुछ लिए
तो अगर वो पैसे समझो 30,000 का कुछ लिए, 50,000 का कुछ लिए, और कस्टमर वो पैसे लमसम में नहीं देना चाहता, उसे ईएमआई के थ्रू देना चाहता है, ठीक है, तो ईएमआई के थ्रू देगा तो उसमें भी देंगे तो उसमें भी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लगता है, तो वो भी उनका इनकम हो गया। तो अगर 2019 में अगर आप देखेंगे तो इनकी जो इनकम रही है, उनकी इनकम इंटरेस्ट से, जो इंटरेस्ट का कलेक्शन है उसमें से इन्होंने 51% कमाया है, और जो बाकी फीस है फीस में से 44% इन्होंने कमाया है, और जो बचा 5% है वो बाकी जो सर्विसेज है इनकी उनमें से इन्होंने कमाया है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, शुड वी इन्वेस्ट इन दिस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में इस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इस कंपनी की वैल्यूएशन मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, उसका रीज़न है बिकॉज़ ये जो स्टॉक जो है लिस्ट हुआ है अभी नया है, तो इसकी वैल्यूएशन हम लोग टेक्निकल जो कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं निकाल सकते। तो मेरा मानना है कि इसकी जो वैल्यूएशन अभी है, वो जो कंपनी की बिजनेस और उसकी जो ग्रोथ है उसके हिसाब से ही मैंने इसके जो वैल्यूएशन जो निकाला है, ठीक है। तो अगर हम अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं डेफिनेटली हाँ कहूँगा, और उन्हें अगर किसी को रीज़न चाहिए तो कुछ रीज़न्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अच्छा गुड ग्रोथ रिकॉर्ड है इसका, SBI कार्ड्स का जो रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड अगर आप जाकर चेक करेंगे तो 4 साल की 5 साल की, तो इसने अच्छा खासा जो रिकॉर्ड जो प्रॉफिट कमाया है, जो ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर इसने अच्छा खासा पैसा ग्रोथ दिखाया है, ठीक है। और दूसरा जो है, एक अच्छा हेल्दी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। देखिए, फाइनेंशियल कंपनी का अभी ऐसा एक स्थिति है कि कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल में नहीं है या फिर बहुत हार्डली प्रॉफिटेबल में है, तो उस स्थिति में SBI कार्ड्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। तीसरा, ये जिसकी एनपीए जो है यह है 2.5%। एनपीए क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, जो बैड लोन्स वगैरह होते हैं कंपनी की, जो पैसा वो लोग जो वापस नहीं आता है वो सब एनपीए में गिना जाता है, तो इसका जो है 2.5% है। अगर नॉर्मली किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आप एनपीए अभी की स्थिति में चेक करेंगे तो आपको 10% से नीचे नहीं मिलेगा, सबका एनपीए 10% से ऊपर ही है, तो उसके हिसाब से इसका एनपीए देखेंगे तो भी अच्छा खासा है, ठीक है, तो कम है आई मीन। और आगे हम देखेंगे तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग, इसका फोकस जो है ओपन मार्केट में, इसका फोकस अच्छा खासा है। ओपन मार्केट मतलब जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स को जो ये कार्ड बेचती है, ठीक है, जो लोग बाकी जगह में, ज़्यादा जगह में जो कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे हम पेट्रोल भराते हैं तो पेट्रोल जगह में यूज़ करते हैं, पेट्रोल बंक में या फिर शॉपिंग के लिए जाते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसे ओपन मार्केट कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका फोकस ज़्यादा है, तो यहाँ पर इनकी ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे तो एक जो SBI कार्ड्स है, अच्छे खासे बड़े बड़े कंपनी के साथ जो टाई अप करके रखी है, बड़े बड़े कंपनी जैसे IRCTC जैसा हो गया और अपोलो हो गया, इनके साथ इनका अच्छा खासा टाई अप है, तो वो भी एक एडवांटेज है। देखिए, ये सब एडवांटेज होता है एक बिजनेसेस को, जो टाई अप हो गया या बाकी जो चीज़ हो गई, तो बिजनेसेस का मेन फोकस होता है कि जो प्रॉफिट कमाना, अपनी ग्रोथ कमाना, ग्रोथ करना, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कंपनी अच्छा खासा कर रही है, और जैसे मैंने कहा कि ये मार्केट लीडर है, और दूसरा इसका जो सप्लाई कम है और डिमांड हाई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सप्लाई कम है और डिमांड हाई है, बिकॉज ये एक सोल कंपनी है, ये एक ऐसा अकेला कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड की इसमें लिस्ट किया गया है, ठीक है, अकेला कंपनी। तो समझिए, अगर किसी इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अगर मैं एक बड़ा समझिए कोई बड़ा इन्वेस्टर है और उसे क्रेडिट कार्ड कंपनी किसी में इन्वेस्ट करना है, हाँ HDFC वगैरह भी है, लेकिन वो लोग वो सारी कंपनी क्रेडिट कार्ड की लिस्ट में लिस्टेड नहीं है, उनकी जो है बाकी HDFC है तो उनका अलग सा है, क्रेडिट कार्ड की लिस्ट में वो लोग नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड की अगर लिस्ट में आप देखेंगे तो ये अकेला कंपनी है। अगर कोई इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले जो इयर्स में अगर
एक कोई क्रेडिट कार्ड की जो बिजनेस है इंडिया में अच्छी तरह से ऊपर जाने वाली है और वो कोई क्रेडिट कार्ड की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे कौन सी कंपनी मिलने वाली है? शेयर मार्केट में उसे एक ही कंपनी मिलेगी, वो है SBI कार्ड। तो ये अच्छा खासा एक कंपनी है, मार्केट लीडर भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी सप्लाई कम है और डिमांड बहुत हाई है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए, इसे होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। तो जिन्हें IPO मिला होगा, IPO में अलॉटमेंट मिला होगा, उन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करना है चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। मैं आप लोग को यहाँ पर ले जाता हूँ, फिर से मेरी चार्ट में लेकर आया हूँ जो हम अपन ने लेवल्स ड्रॉ किए थे। तो हमें होल्ड करनी चाहिए या फिर एग्जिट करनी चाहिए? तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि होल्ड करना है, बिकॉज आने वाले दिनों में ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकता है। ये ऊपर अच्छी खासा 1000 रुपीज़ के ऊपर आसानी से जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये अगर जो इसका ऑल टाइम हाई है ये क्रॉस कर दिया तो मेरे हिसाब से ये वापस इस लेवल के नीचे आना, इसका आना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर ही वो रहेगा, फिर इसके नीचे वो आएगा नहीं इसकी क्रॉसिंग होने के बाद। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी प्लान कैसी है। देखिए, मैंने क्या सोचा है कि मार्केट जो अभी मंडे को खुलेगा तो मैं यहाँ पर, अगर पॉजिटिव खुला तो मैं यहाँ पर ओपनिंग कर एंटर करूँगा। देखिए, मैं आपको एक और चार्ट इसके टाइम फ्रेम बताता हूँ, थ्री आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ। देखिए, अच्छा खासा ये रिवर्सल दिखा रहा है 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी। देखिए, ये पैटर्न जो है सेमी सर्कल जैसा बना रहा है, ऐसा घूमकर ऊपर जाने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो छोटे प्लेयर्स जो छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर किसी को लेना है तो यहाँ पर एंटर कीजिए और यहाँ पर इसकी स्टॉप लॉस रखकर 575 की स्टॉप लॉस को लेकर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से डे कैंडल में आपको लेकर आता हूँ और मैं बताता हूँ। देखिए, मंडे को अगर ये पॉजिटिव रहा तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, लेकिन मैंने जो इसके लिए कैपिटल अलॉट किया है, समझिए अगर मैं 100 रुपीज़ इसके लिए अलॉट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल की तरफ से कर रहा हूँ, अगर 100 रुपीज़ मैं यहाँ पर अलॉट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ 25 रुपीज़ ही मंडे को मैं इन्वेस्ट होऊंगा, 25 रुपीज़ ही मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा और फिर मैं वेट करूँगा। ठीक है, अगर मार्केट इसे क्रॉस करता है, ठीक है, इसे यहाँ पर सपोर्ट लेकर, यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़कर, यहाँ पर कोई लेवल फॉर्मेशन बनाकर इसे इस लेवल को क्रॉस करता है 600-700 की लेवल को, तो मैं यहाँ पर फिर से 25% यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। जो 100 रुपीज़ मैंने इसके लिए अलाउट किया है उसका 25% कह रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा ओवरऑल कैपिटल बना ही। अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है तो मैं यहाँ पर 25 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा, यहाँ पर 25 रुपीज़ करूँगा तो मेरा 50% ख़त्म हो चुका है। ठीक है, 50 रुपया ख़त्म हो चुका है और 50 रुपया बचा है, ये मैं बता रहा हूँ अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो। ठीक है, तो उसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई है इसे ब्रेक करता है और सस्टेन करता है ऊपर, तो मैं रिमेनिंग 50% जो है यहाँ पर लगा दूंगा, ये मेरी प्लान है। ठीक है, ये अगर मेरी प्लान के हिसाब से ऊपर गया तो मैं कह रहा हूँ, अगर समझिए कल मैं 25% यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया हूँ, ठीक है, और मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मैं 520 या 500 इसके आसपास ये सपोर्ट ले सकता है फिर से, तो मैं यहाँ पर 25% और करूँगा। देखिए, यहाँ पर मैं ऑलरेडी मंडे को 25% करने वाला हूँ और फिर ये नीचे आया तो नीचे यहाँ पर 25% करूँगा, मतलब ये हो गया 50% मेरा ख़त्म हो गया। तो यहाँ से जब ये रिटर्न होकर ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा और ये 700 को क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पर 50% यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो मेरी जो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरी जो एवरेज प्राइस है वो बनी रहेगी दोनों तरफ से। आप देखेंगे तो मेरा एवरेज प्राइस लगभग ये लाइन के हिसाब से 700 के आसपास मेरा एवरेज प्राइस रहेगा। ठीक है, अगर ये ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पर बाई करूँगा, यहाँ पर बाई करने वाला हूँ, यहाँ पर बाई करने वाला हूँ, तो मैं एवरेज प्राइस लगभग ये एरिया में रहेगी। अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ बाई करूँगा, यहाँ बाई करूँगा और फिर से यहाँ बाई करूँगा, तो मेरी एवरेज प्राइस लगभग 650 के आसपास रहेगी। तो मेरी जो प्राइस है 650 और 700 इसके बीच में मेरी प्राइस रहेगी। तो आने वाले दिनों में अगर देखेंगे तो जब ये मार्केट को क्रॉस कर, जब मार्केट की कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो ये क्रॉस कर ऊपर जाएगा ऑल टाइम हाई को, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है।
तो देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को देखकर आप तुरंत इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपको पैसा आपका है तो आपको भी थोड़ा सा जो एनालाइज़ करना चाहिए, आप भी थोड़ा बहुत एनालाइज़ कीजिए। अगर आपको कन्विंसिंग इनफ लगा, ठीक है, तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरी एनालिसिस भी ठीक लगी तो आप लोग इसके हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पार्ट पार्ट में कीजिए, लमसम एक ही बार में नहीं करना है। जैसे मैंने बताया मेरा प्लान इन्वेस्टिंग का, उसी तरह से आपको भी आपका प्लान आपके कैपिटल के हिसाब से कहां पर आपको ऐड करना है वो सब आपको प्लान करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस वीडियो जो लोग बाई करना चाहते हैं या ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है, जिनको अलॉटमेंट मिला है, वो लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट अभी बहुत नीचे आ चुका है तभी क्या करना है, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और थम्स अप दीजिए। हम लोग मुझे खुशी होगी आपकी लाइक को देखकर। और इतना ही नहीं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो आने वाली वीडियोस जो मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर वीडियो मैं बनाने की ट्राई करूं। ठीक है, तो ये मेरा पहला या दूसरा वीडियो है, इन्वेस्टिंग में पहला वीडियो है, तो कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा एनालिसिस में करूँ। और आपके जो जो टाइम जो आप दे रहे हैं ये वीडियो देखने में, उसकी वैल्यू मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो लगातार बने रहेंगे, फिर मैं आऊँगा आपके साथ अच्छे नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।